ज़ाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं, और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जो जिस तरह से खामोशी अख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं, और जिस तरीक़े से कत्लो गारत गिरी वहाँ पर हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दीरीना मसला है, और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के आवाम के जो हकूक़ हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरजमीन जो है उन पर तंग कर दी गई है, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए, आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के आवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज़्ज़त और सुकून से जिए, वहाँ इसराइल के आवाम भी अमन व अमान से जिए। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गई हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया।